अब सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में अल्पसंख्यक कार्ड खेलने का फैसला किया है? क्या हिंदू मुसलमान का बंटवारा करके कांग्रेस ये चुनाव जीतना चाहती है? क्योंकि पंजाब के कैबिनेट मंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू कटियार पहुंचे बिहार एक चुनावी सभा में। मुसलमानों को उनका प्रतिशत बता करके उन्होंने एड्रेस किया, मोदी को हराने की अपील की। सिद्धू का बयान विवादों में आया तो अब चुनाव आयोग ने सिद्धू के बयान की सीडी मांगी। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कार्रवाई करने के लिए कहा। मोदी के नाम पर डराएंगे, मुस्लिम वोट पाएंगे। मायावती पर एक्शन, सिद्धू पर कर। बिहार के कटिहार में कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर के लिए प्रचार करने पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस का पुराना अल्पसंख्यक कार्ड खेलते नजर आए। देखिए और ध्यान से सुनिए कैसे सिद्धू ने सभा में मौजूद मुस्लिमों को प्रतिशत बताकर मोदी को हराने के लिए कहा। ये बांट रहे हैं आपको 64% आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहाँ पे। यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके एकजुट होके वोट डाला तो सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा, छक्का लग जाएगा। बीजेपी ने इस बयान पर सख्त आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग को कार्रवाई करने के लिए कहा। ऐसे लोगों पर तत्काल चुनाव आयोग को रोक लगानी चाहिए और जिस तरह यूपी में कुछ नेताओं को चुनाव प्रचार से वंचित कर दिया है, वैसे सिद्धू को भी चुनाव प्रचार से वंचित किया जाना चाहिए। सवाल ये है कि क्या सिद्धू बंटवारा पॉलिटिक्स से कांग्रेस को वोट दिलाना चाहते हैं? क्या मुस्लिम कार्ड से ही कांग्रेस पार्टी ने जीत का प्लान तैयार किया है? 64% माइनॉरिटी का आह्वान सुना गया है बिहार के कटिहार में, ये क्या है? ये कौन सी नसीहत दी जा रही है? बांटने की राजनीति कांग्रेस के डीएनए में है। एक समुदाय विशेष को उनकी संख्या बल का एहसास दिलाकर वोट मांगना सरासर गलत है और लोकतंत्र के लिए घातक भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।